आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय से कानपुर में कट्टे बनते थे कट्टे। भाइयों बहनों, नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश है, कानपुर की प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दिया है। आपने देखा होगा विगत वर्ष ही प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन साधन कानपुर को मिला है मेट्रो, और मेट्रो के सेकंड फेज का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। उस कार्य के लोकार्पण कार्यक्रम में भी हमें फिर से कानपुर आना पड़ेगा। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय से कानपुर में कट्टे बनते थे कट्टे, और आज तो कानपुर डिफेंस कॉरिडोर का एक नया नोड तैयार हो रहा है। देश की रक्षा उत्पादन का एक नए केंद्र के रूप में कानपुर अपनी पहचान बना रहा है। यह है नया कानपुर। और इसलिए भाइयों बहनों, एक ओर देश के अंदर बन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी ओर लोक कल्याण के कार्य, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को किस रूप में भारत ने प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया, करोड़ों लोगों को आवास की सुविधा प्राप्त हो जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर एक एक आवास उपलब्ध हुआ है, 8 करोड़ गरीबों को स्वस्थ ईंधन के रूप में एलपीजी के कनेक्शन दिए गए हैं, 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक टॉयलेट बन गए हैं, 15 करोड़ युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, 35 करोड़ से अधिक गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए हैं और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी वर्तमान में भारत दे रहा है। और कोरोना कालखंड में कहना ही क्या, 80 करोड़ गरीबों के लिए पूरे देश के अंदर पिछले 3 वर्षों से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हो रहा है। और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजें फ्री में भारत के नागरिकों को प्राप्त होती हैं, यह भी नया भारत की नई कहानी है। भाइयों बहनों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही विरासत का सम्मान भी है। कौन सा ऐसा स्थल है जो देश की आजादी की लड़ाई में योगदान किया हो और वहां पर भव्य स्मारक अपने देश के उन क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का न बना हो? और कौन से ऐसे धर्मस्थल हैं जहां पर उसके पुरातन गौरव को वापस लाने का कार्य न हुआ हो? काशी का काशी विश्वनाथ धाम आप देखिए, या अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, यह आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाइयों बहनों, मथुरा वृंदावन में आप जाइए, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। और अभी तो हम मां विंध्यवासिनी धाम में कॉरिडोर का निर्माण भी कर रहे हैं और पनकी वाले हनुमान जी मंदिर की भी यहां पर कॉरिडोर निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य होने जा रहा है। भाइयों बहनों, नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश है। इस नए उत्तर प्रदेश में भी पिछले 6 वर्ष के अंदर बहुत सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। ये नया उत्तर प्रदेश है। इस नए उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए आज जो कार्यक्रम हुए हैं, आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। आज कर्फ्यू नाम की कोई बात सुनते हैं आप लोग? आज कोई दंगा होता है? आज भाइयों बहनों, दंगा और कर्फ्यू नहीं, कोई उपद्रव नहीं,
आज सो उत्सव हो रहे हैं उत्सव, कहीं दीपोत्सव, कहीं दीप दीपावली का उत्सव, कहीं रंगोत्सव, ये सभी हमारी पहचान बन रहे हैं। हर जिले में उत्सव किए जा रहे हैं, हर जनपद का, हर नगर का महोत्सव, ये उसी उत्सव के प्रतीक हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में अब उपद्रव नहीं, उत्तर प्रदेश में अब उत्सव का माहौल है, विकास की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश आज के दिन पर सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे रखने वाला राज्य है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।